सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो चाहे तो मिटा लो। अगर चाहते हो कुछ करना तो अभी भी वक्त है, अपनी जान लगा दो। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। जो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। आज का पंचांग 28 मई 2022 दिन शनिवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दोपहर 1:09 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र सुबह 4:39 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:04 से 10:44 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगी। वृषभ राशि 28 मई 2022 दिन शनिवार, आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और आज आपको इसके लिए कई अच्छे संस्थाओं से प्रस्ताव भी मिलेंगे, छात्रवृत्ति भी मिल सकती है। प्रारंभिक व्यवस्था करते हुए और सूचनाएं एकत्र करने में सावधान रहें। आर्थिक लाभ की महत्वपूर्ण संभावनाएं बनी हुई है, पूरी मेहनत से अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहें। आप पारिवारिक तथा व्यवसायिक गतिविधियों में बेहतरीन संतुलन बनाकर रखने में सक्षम रहेंगी। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के प्रति एकाग्रचित रहना उचित सफलता देगा। आपके कामों का फल आपको प्राप्त हो सकता है, पिछली गलतियों का भय दूर करें। अभी आपके पास अनुभव और स्रोत दोनों हैं, इसका ठीक से उपयोग करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। अपेक्षा के अनुसार यश प्राप्त होगा। मन में उत्पन्न होने वाला कोई भी नकारात्मक विचार अधिक ना बढ़े, इस बात का ध्यान रखें। काम की जगह अपेक्षित प्रोजेक्ट प्राप्त होगा। अटके हुए पैसों से संबंधित काम भी आगे बढ़ने शुरू होंगे। पार्टनर की कमजोरियों को समझने की भी कोशिश करें, अपचय को नजरअंदाज ना करें। सावधानियां, रुपए पैसे संबंधित लेन देन करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि उधार दिए हुए पैसे की वापसी बहुत मुश्किल है। प्रॉपर्टी संबंधित किसी भी काम को आज स्थगित ही रखें। कोई भी पेपर वर्क करने से पहले उसका अच्छी तरह से अध्ययन करना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवारजनों तथा जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपकी चिंता को कम करेगा। लव पार्टनर के साथ डेटिंग पर जाने का अवसर भी मिलेगा। आपके लिए खुशियां मनाने का समय है। जो लोग विवाहित हैं उन्हें कोई व्यक्तिगत खुशी मिलेगी, जैसे बेहतरीन साथ का एक और वर्ष पूरा होने या परिवार में नए मेहमान के आने की खुशी। जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है उनके रिश्ते को परिवार वालों की ओर से जो काफी समय से इस रिश्ते का विरोध करते आ रही हैं, उनकी तरफ से हरी झंडी मिलने की संभावना है। बात करते हैं करियर की। आज बड़ी और छोटी सफलताएं आपके कार्य क्षेत्र में दस्तक दे रही है। आपके द्वारा एक समय में प्रदान की गई सेवाओं के लिए आपको कुछ भुगतान प्राप्त हो सकता है या आपको एक अप्रत्याशित बोनस मिल सकता है। एक लंबे समय से जो पदोन्नति अटकी हुई थी वह आपको मिल सकती है या आपका पद ऊंचा हो सकता है और अलग से एक केबिन आपको मिल सकता है। बेरोजगार युवक या वे लोग जो अपनी मौजूदा नौकरी छोड़ना चाहते थे उनके लिए भी आज शुभ संदेश मिल सकता है। व्यवसाय से संबंधित किसी भी नए कार्य को शुरू करने का अनुकूल भी समय है। अधिकतर काम निर्विघ्न पूरे होते भी जाएंगे
पार्टनरशिप से संबंधित व्यवसाय में कुछ समय से चल रहे तनाव आज दूर भी होंगे तथा आपसी संबंधों में भी सुधार आएगा। बात करते हैं सेहत की। आपके आसपास कोई आज बीमार अनुभव कर रहा है, आपको उसकी काफी देखभाल करनी पड़ सकती है, लेकिन चिंता ना करें, आपकी उसकी मदद करने से आपका भी कुछ अच्छा ही होगा। आपको आज छोटे मोटे संक्रमणों से सावधान रहना होगा। आपके लिए अपनी खुद की या किसी करीबी की छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करना भविष्य में महंगा साबित हो सकता है। आज का उपाय, आज आप पीपल के पेड़ की पूजा करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।